हे गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी केस को कैसे लॉ ऑफ थेथरलॉजी से बनाया जा सकता है और जानेंगे कि क्या होना चाहिए पॉसिबिलिटी केस को बनाने का एग्जैक्ट वे। तो मैं हूं अभिषेक सिंह, आप देख रहे हैं एग्जैक्ट वे। गाइस इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूं सिलोजिज्म पे, अगर आप उन दो वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज वो दो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को देखने के बाद ही अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्या है लॉ ऑफ थेथरलॉजी। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ए इज बी, तो इसका चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम ए इज बी, कुछ ए बी है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग का फिगर बनेगा और इस फिगर में आपका ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका शो कर रहा है सम ए इज बी, ये जो कॉमन पार्ट है। तो चलिए अब देखिए इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे डेफिनेट पार्ट। डेफिनेट पार्ट मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि ये चीज़ या तो है या तो नहीं है, जिस चीज़ के बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट हैं उसे हम लोग डेफिनेट पार्ट कहेंगे और इस पार्ट को हम लोग इनडेफिनेट पार्ट या इनडेफिनेट एरिया कहेंगे। और वैसे ही यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, ये पार्ट जो है, जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम लोग इनडेफिनेट पार्ट कहेंगे। इसके पीछे आखिरकार ये इनडेफिनिट और डेफिनिट बताने के पीछे मेरा कारण है कि इससे रिलेटेड मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखिए पहला ट्रिक है आपका, जब भी आपको डेफिनिट पार्ट के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ दिया जाए तब आपको उस पार्ट को नहीं लेना है। मतलब जब भी कोई चीज़ जो 100% ट्रू है यानी कि 100% डेफिनेट है, जिसके बारे में आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल होगा ही होगा, उसके साथ आपको पॉसिबिलिटी नहीं लगाना है। यानी कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको पता है कि धरती गोल है, अर्थ गोल है, अगर कोई इंसान आपको कहे कि धरती गोल है इसकी संभावना है, यानी कि ये तो एक तरीके से आपके साथ थेथरलॉजी बतिया रहा है ना। जो चीज़ है 100% ट्रू है उसके साथ आपको संभावना लगा कि कैसे कह सकता है। जब भी कंक्लूजन आपको थेथरलॉजी बोलता दिखे तो आपको उस कंक्लूजन को काट देना है, उस कंक्लूजन को नहीं लेना है। और दूसरा ट्रिक कहता है जब भी इनडेफिनिट पार्ट के साथ अगर आपको पॉसिबिलिटी लगाया हो तो उस पार्ट को आपको ले लेना है, क्योंकि जो चीज अनसर्टेन है जिसके बारे में आप कह नहीं सकते उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दिया जाए तो उसे आपको ले लेना है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कैसे इस लॉ को हम यूज करके अपना सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए इस स्टेटमेंट में कह रहा है ऑल स्ट्रक्चर्स आर सर्कल, सारा का सारा स्ट्रक्चर सर्कल है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग बना दिए। फिर आपको कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर स्ट्रक्चर, सारा का सारा स्क्वायर जो है स्ट्रक्चर है, तो यहां पे देखिए आपको स्ट्रक्चर और स्क्वायर दोनों का इनिशियल एस से है, तो यहां पे आप इसको यहाँ पे स्क्वायर को SQ लिख दीजिए और स्ट्रक्चर को ST लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ सको और कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। फिर आपको बोला है नो बिल्डिंग इज सर्कल, कोई भी बिल्डिंग सर्कल नहीं है, तो बिल्डिंग आप अलग से बना दीजिए और एक टिक दे करके आप ये समझ लीजिए कि बिल्डिंग और सर्कल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब कंक्लूजन में देखते हैं, बोल रहा है सम स्ट्रक्चर बींग बिल्डिंग इज पॉसिबिलिटी, कुछ स्ट्रक्चर बिल्डिंग हो इसकी संभावना है। तो देखिए सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका सर्कल के अंदर में आ रहा है और सर्कल का रिलेशन बिल्डिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं है, तो स्ट्रक्चर और बिल्डिंग का भी कोई रिलेशन नहीं होगा। ये चीज़ें डेफिनेट है, ये आपका डेफिनेट एरिया में आ रहा है क्योंकि ये डेफिनेट पार्ट है। तो डेफिनेट के साथ कभी भी आपको पॉसिबिलिटी लगे तो आपको मैं बताया हूँ कि नहीं ले लेना है। डेफिनेट के साथ पॉसिबिलिटी जब भी लगा हो तो उसे काट देना है, ठीक है। अब दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, एटलीस्ट सम सर्कल आर स्क्वायर, एटलीस्ट बोल करके कुछ नहीं होता है, तो आप इसे काट दो या फिर इसे कुछ इग्नोर कर दो। और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सम सर्कल आर स्क्वायर, कुछ सर्कल स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा स्क्वायर जो है आपका सर्कल के अंदर आ रहा है, तो जब सारा का सारा स्क्वायर सर्कल के अंदर आ रहा है तो कुछ सर्कल का पार्ट स्क्वायर ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपका सही है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, सारा का सारा फ्लावर जो आपका टॉयज है, तो ये कुछ इस तरीके से हमने बना दिया। ऑल सम टॉयज आर ट्री, कुछ टॉयज जो है वो ट्री। अब देखिए यहाँ पे ट्री और टॉयज अलग अलग अल्फाबेट से आप इसे लिख दीजिए। फिर सम एंट्स आर ट्री, कुछ एंट जो है वो ट्री है, तो इस तरीके से बन गया। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है सम एंट्स आर टॉयज, कुछ एंट जो है टॉयज हैं, तो यहाँ पे आपको बेसिक डायग्राम में ही दिख रहा है कि एंट का टॉयज के साथ कोई रिलेशन आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। तो जब
बेसिक डायग्राम में ही कोई रिलेशन ना दिखे तो पॉसिबल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे उसे नहीं लेना है, क्योंकि ये डाउटफुल का केस हो जा रहा है और वो मैं आपको पार्ट टू में बता चुका हूँ कि कैसे आपको डाउटफुल का केसेस में कैसे लेना है नहीं लेना है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखो तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को आप देख लीजिए। चलिए दूसरा कंक्लूजन कहता है सम ट्रीज आर फ्लावर, कुछ ट्रीज जो है फ्लावर है। तो देखिए यहाँ पे ट्री और फ्लावर का बेसिक डायग्राम में ही कोई रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है, तो जब भी आपका बेसिक डायग्राम में ही चीज़ें फॉलो ना करें तो उसे पॉसिबल डायग्राम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, उसे आप नहीं लेंगे। फिर तीसरा कंक्लूजन कह रहा है सम फ्लावर बिंग एंट्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फ्लावर एंट हैं इसकी संभावना है। तो देखिए एंट का फ्लावर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, यानी कि ये इनडेफिनिट चीज़ें हैं, ये इनडेफिनिट एरिया में आ रही हैं। तो इनडेफिनिट प्लस पॉसिबिलिटी जब भी आए तो उसे आपको सही मान लेना है, फॉलो करेगा, तो यहाँ पे ये आपका फॉलो करेगा। तो इसका क्या होगा आंसर, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए सिर्फ तीसरा फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें हैं नॉट फॉलो के केस तरीके से आपको पूछ रहा है कौन सा नहीं फॉलो करेगा, तो यानी कि पहला और दूसरा फॉलो नहीं करेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन थ्री ओनली वन एंड टू डू नॉट फॉलो आंसर होगा। एग्जाम में ऑप्शन पे जरूर ध्यान दें कि ऑप्शन आपसे फॉलो कौन सा फॉलो करेगा ये पूछ रहा है या ये पूछ रहा है कि कौन सा फॉलो नहीं करेगा। कभी कभी हड़बड़ाहट में लोग कौन सा फॉलो करेगा यही टिक मार करके सीधे चले जाते हैं और एग्जाम में पूछा रहता है कि कौन सा नॉट फॉलो कर रहा है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आखिरकार क्या कह रहा है। नो कोक आर होल्डर, कोई भी कोक होल्डर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग बना दें एक टिक के साथ, ये पता चलेगा कि कोक का होल्डर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ऑल होल्डर्स आर लैंप, सारा का सारा होल्डर लैंप है, तो ये आप इस तरीके से बना लीजिए। सम लैंप आर डेस्क, कुछ लैंप जो है डेस्क हैं, तो इस तरीके से हम लोग बना लिए। अब बोला है सम डेस्क आर पेंस, कुछ डेस्क जो है पेन है, तो इस तरीके से कुछ फिगर आपका बन करके आ जाएगा। अब कंक्लूजन में चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि ऑल डेस्क बींग कोक इज पॉसिबिलिटी, सारा का सारा डेस्क जो है आपका कोक है इसकी संभावना है, सारा का सारा डेस्क कोक है। तो देखिए डेस्क का कोक के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ये इनडेफिनिट चीज़ें हैं, इनडेफिनिट पार्ट में है, तो जब भी इनडेफिनिट प्लस पॉसिबिलिटी आए तो उसे आपको ले लेना है, तो ये आपका फॉलो करेगा। चलिए अब दूसरा कंक्लूजन देखते हो, ऑल लैम्प बींग कोक इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा लैम्प जो है कोक है इसकी संभावना है। तो देखिए लैम्प जो है आपका यहाँ पे लैम्प आ गया और कोक जो है कोक का लैम्प के अंदर में आपका ये एच है यानी कि होल्डर है, यानी कि और होल्डर का कोक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि इतना पार्ट जो आपका लैम्प का है वो लैम्प कोक भी नहीं होगा, ये डेफिनेट चीज़ है कि कोक का इतना रेड पार्ट जो है कोक नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है कि ऑल लैम्प बींग कोक इज पॉसिबिलिटी, कि सारा का सारा लैम्प जो है आपका वो कोक होगा इसकी संभावना है, तो डेफिनेट के साथ कभी भी संभावना अगर आपको लगा दे तो आपको नहीं लेना है। यही चीज़ें थेथरलॉजी हो रहा है कि ये तो चीज़ें कभी भी होगा नहीं, तो जब होगा नहीं तो उसके साथ आप कैसे बोल सकते कि ऐसा होगा इसकी संभावना है, तो संभावना तो कभी होगा नहीं, तो यहाँ पे इसे नहीं लेना है। जब भी थेथरलॉजी बतिया रहा हो कोई कंक्लूजन तो उसे आप काट दीजिए, वो फॉलो नहीं करेगा। तीसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम डेस्क आर नॉट कोक, कुछ डेस्क कोक नहीं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ डेस्क है और यहाँ बेसिक डायग्राम में ही दिख रहा है कि डेस्क का कोक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, बट इसका अगर पॉसिबल डायग्राम हम लोग बनाया जाए और ये कोक यहाँ की जगह कुछ इस तरीके से आ गया रहता तो ये चीज़ें फॉलो करता, ठीक है, तो यहाँ पे जब तो ये चीज़ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी कि ये डाउटफुल है, तो डाउटफुल की चीज़ें हमें हमेशा काट देना है, उसे नहीं लेना है, यानी कि ये फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए अब चौथा कंक्लूजन देखते हैं, सम कोक आर नॉट होल्डर, कुछ कोक जो है होल्डर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में ही आपको दे दिया गया है कि सारा का सारा कोक होल्डर नहीं है, नो कोक इज होल्डर, ये आपको स्टेटमेंट में ही दे दिए गए, तो स्टेटमेंट को कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। तो जब आपको बोल दिया कि कोई भी कोक जो है होल्डर नहीं है तो फिर उसमें सम कोक आर नॉट होल्डर डाउट करने वाली बात ही कहाँ है। तो जब भी इस तरीके की चीज़ें हो तो उसे आपको नहीं लेना है, ठीक है, जब सम पूरा का पूरा कोक होल्डर नहीं है तो सम कोक आर नॉट होल्डर ऐसा बोलने से तो ये मतलब हो रहा है ना कि कुछ कोक होल्डर हो भी सकता है, तो डाउट वाली बात नहीं है, तो इसे आप सीधे काट दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो, तो यहाँ पे ओनली वन फॉलो आपको दूसरा है, तो ये सही हो गया। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ऑल कार्स आर टेंट, सारा का सारा कार जो है आपका टेंट है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग बना लिए,
ठीक है, नो कार इज जग्स, कुछ कोई कार जग नहीं है। तो जग अगर हम लोग इस तरीके से बना लिए तो कोई कार जग नहीं है, ये दिखाने के लिए आपको सिंगल टिक दे दीजिए ताकि आपको पता चले कार का और जग से कोई रिलेशन नहीं है। फिर बोला है नो जग इज ग्लासेस, कोई भी जग ग्लासेस नहीं है, तो ग्लासेस यहाँ पे बना लीजिए और जग का ग्लास के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसे डबल टिक के साथ शो कर दीजिए। फिर आपको चौथा स्टेटमेंट में कह रहा है नो ग्लासेस इज पॉट्स, कोई भी ग्लास पॉट नहीं है, तो पॉट यहाँ पे बना लीजिए और इसे ट्रिपल टिक के साथ ग्लास के साथ यहाँ ये दिखा दीजिए कि ग्लास का और पॉट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब कंक्लूजन पे आते हैं, कह रहा है ऑल पॉट्स बीइंग टेंट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा पॉट जो है टेंट होगा इसकी संभावना है। तो सारा का सारा पॉट कहाँ है, तो ये पॉट है और टेंट होगा तो टेंट कहाँ है, ये टेंट है। तो देखिए पॉट का आपका ग्लास के साथ कोई रिलेशन नहीं है ये दिख रहा है, बट पॉट का टेंट के साथ कोई भी रिलेशन होगा या नहीं होगा ये चीज़ आप डेफिनेट नहीं कह सकते, ये चीज़ इनडेफिनेट है, यानी कि इसके ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो जब भी इनडेफिनेट के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ दिया जाए तो आपको उसे ले लेना है, यानी कि ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। फिर दूसरा कंक्लूजन कह रहा है ऑल ग्लासेस बीइंग कार इज पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ग्लास कार है इसकी संभावना है। तो यहाँ पे देखिए ग्लास है और कार कहाँ पे, ग्लास का किसके साथ रिलेशन नहीं है, तो ग्लास का जग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और बोल रहा है कि सारा का सारा ग्लास जो है वो कार है इसकी संभावना है। तो ग्लास का कार के साथ रिलेशन है या नहीं है ये सारी चीज़ें इनडेफिनिट है, कुछ भी आप इसके बारे में कह नहीं सकते हो, यानी कि इनडेफिनिट के साथ आपको पॉसिबिलिटी जोड़ दिया गया है। तो यही रीज़न यहाँ पे भी है, तो इनडेफिनिट के साथ पॉसिबिलिटी जब भी जोड़ दे तो आपको वो कंक्लूजन फॉलो करेगा, तो यहाँ पे आप इसे टिक कर दीजिए। फिर आपको कह रहा है सम जग्स आर टेंट्स, कुछ जग जो है टेंट है, तो यहाँ पे देखिए जग यहाँ पे और टेंट यहाँ पे है, और जग का टेंट के साथ रिलेशन आपका बेसिक डायग्राम में ही दिख रहा है कि नहीं है, तो ये आपका पॉसिबल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये डाउटफुल का केस है, तो इसे आप काट दीजिए। फिर आपको कह रहा है नो जग इज टेंट्स, कोई भी जग टेंट नहीं है, तो यहाँ पे जग ये हो गया और टेंट देखिए यहाँ पे ये है, लेकिन अगर जग को यहाँ पे इस तरीके से बना दिया जाता, यहाँ पे अगर जग बना दिया जाता तो ये तो फॉलो करता है, यानी कि ये चीज़ें डाउटफुल है। तो जब भी डाउटफुल की बातें हों तो क्या करना, उसे हमें नहीं लेना है, वो काट देना है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो, जो आपको यहाँ तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका सही हो गया। तो चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सम ट्रेन आर लाइट, कुछ ट्रेन जो है लाइट है ये दिया हुआ, तो इस तरीके से बनाती है। फिर बोला है सम लाइट आर फास्ट, कुछ लाइट जो है फास्ट है, तो ये इस तरीके से बन गया। फिर कह रहा है सम फास्ट आर नॉइज, कुछ फास्ट जो है नॉइज है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बना दिए। अब बोला है सम नॉइज आर सॉफ्ट, कुछ नॉइज जो है सॉफ्ट है, तो इस तरीके से बन गया। अब कंक्लूजन पे आते हैं, कह रहा है कि सम लाइट आर सॉफ्ट, कुछ लाइट जो है आपका, तो यहाँ पे आप देख लो कि लाइट का सॉफ्ट के साथ बेसिक डायग्राम में ही कोई डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप इसे काट दीजिए। फिर आपको कह रहा है सम सॉफ्ट बिंग ट्रेन इज पॉसिबिलिटी, कुछ सॉफ्ट ट्रेन है इसकी संभावना है, तो यहाँ पे सॉफ्ट आ गया और ट्रेन कहाँ है, यहाँ पे ट्रेन है। तो देखिए सॉफ्ट और ट्रेन का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यानी कि ये इनडेफिनिट है, आप इसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते हो, और इनडेफिनिट के साथ आपको यहाँ पॉसिबिलिटी जोड़ दिया, तो जब भी इनडेफिनिट के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ दिया जाए तो आपको वहाँ पे वो कंक्लूजन सही मान लेना है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आपका कंक्लूजन वन फॉलो नहीं कर रहा है, और यहाँ पे आपको नॉट फॉलो वाली चीज़ें ही पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन में ये चीज हो रहा है, ओनली वन डज नॉट फॉलो, तो ये है आपका तीसरा ऑप्शन, तो ये आपका सही हो गया। तो गाइज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक मैं इस वीडियो के साथ मिलाकर के तीन वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, और पहले पार्ट में मैं आपको बताया हूं कि आखिरकार कैसे स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं, दूसरे पार्ट में आपको बताऊं कैसे कंक्लूजन को हम लोग को चेक करना है कि वो फॉलो करेगा कि नहीं, और ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग पॉसिबिलिटी केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं या बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पर आपको अननेसेसरी थ्योरी को समझाया जा रहा है जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, मैं बस वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ जितनी चीज़ें एग्जैक्ट आपको जानने की ज़रूरत है, जो फालतू की अननेसेसरी थ्योरी है उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि वो सारी थ्योरी इसलिए
बुक्स वगैरह में डाली गई थी, क्योंकि पहले जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता था क्वेश्चन, उसमें आपको वेन डायग्राम नहीं भी आता हो तो भी आप बहुत सारी बेसिक चीज़ों के साथ ही सॉल्व कर लेते थे। तो उसके लिए आपको बहुत सारी अननेसेसरी थ्योरी जो आज के लिए हो गई हैं उन थ्योरी को जानने की ज़रूरत थी, बट अब उन थ्योरी को जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो चीज़ों को आप ज़्यादा मगअप ना करें, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश ना करें जो आपको बुक में दिख रहा है बहुत सारे ट्रेडिशनल बुक्स में, तो उन सारी चीज़ों को ना फॉलो करें। इससे पहले मैं दो वीडियो बता चुका हूँ, स्टेटमेंट बेसिकली चार तरह के ही होते हैं और उन चार तरह को स्टेटमेंट को ड्रॉ करने का क्या एग्जैक्ट वे होना चाहिए वो पार्ट वन में मैं बताया हूँ। पार्ट टू में बताया हूँ कि कैसे कंक्लूजन को आपको चेक करना है कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं गिवन स्टेटमेंट के माध्यम से, तो वो आपको पार्ट टू में मैं बताया हूँ और वो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के मदद के साथ। और तीसरा पार्ट ये पार्ट है, तो अब आपको ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और दो सेकेंड प्लीज़ मेरे लिए निकाल के इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा सबसे पहले जब आप इस बेल आइकन को प्रेस कर दो दबा देने के बाद। तो ज़रूर प्रेस करें इस बेल आइकन को। थैंक यू वेरी मच।